कुंडलपुर में एक बार फिर भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। बड़े बाबा की वरदानी छांव और छोटे बाबा की साधना स्थली पर 7 जून से शुरू हुए कलशारोहण, सहस्त्रकूट जिनबिंब, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रारंभिक गतिविधियों के साथ भक्तों ने सैकड़ों पिछियों के साथ नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में गुरु पूजन किया और भक्त नवाचार्य श्री के मंगल प्रवचन से अभिभूत हुए। बड़े बाबा की नगरी में एक बार फिर इतिहास दोहरता दिखा। कलशारोहण, सहस्त्रकूट जिनबिंब वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रारंभिक गतिविधियों के अंतर्गत जब सिद्ध क्षेत्र के प्रांगण में नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज संघस्थ सैकड़ों पिच्छियों के साथ पहुँचे तो भक्त खुद को जयकारे लगाने से रोक नहीं पाए। प्रांगण में आने के बाद आचार्य श्री सहित समस्त संघ ने अपना आसन ग्रहण किया और फिर उपस्थित लगभग 200 पिच्छियों ने आचार्य भक्ति करते हुए गुरुवर को नमन किया। इस दौरान ऐसा लगा मानो तीर्थंकर भगवान का समवशरण लगा हो। गुरु भक्ति के मांगलिक क्रम के बाद भक्तों को गुरु पूजन करने का सौभाग्य मिला। श्रद्धा भाव से भक्तों ने बंडा वाले बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के मार्गदर्शन में शुभ तत्वों के अर्घ अर्पित किए। गुरु पूजन करने के साथ भक्तों को नवाचार्य श्री की दिव्य वाणी से अभिभूत होने का अवसर मिला। आचार्य श्री ने मंगल प्रवचन के माध्यम से बताया कि आखिर क्यों तीर्थंकरों और उनके पूजकों की संख्या कम और मिथ्यक दृष्टि की संख्या अधिक होती है। तीर्थंकर अधिक जो होते हैं वो कम ही होते हैं और उनके उपासकों की संख्या भी कम ही होती है और सबसे अधिक यदि संख्या मिलती है तो उन्मार्गियों की संख्या मिलती है। ध्यान रखो, मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंत के कोटि में है और असही सम्यक दृष्टियों की संख्या उससे अल्प है। पंचम गुणस्थान वर्ती जो श्रावक हैं, अनुवृत्ति हैं, उनकी संख्या और अल्प है और महावृत्तियों की संख्या और अल्प है और वीतराग श्रमणों की संख्या भी बहुत अल्प मात्रा में देखने को मिलती है। इसलिए गणधर परमिष्टि देशे महान आचार्यों में भी वह शिरोमणि कहलाते हैं, द्वादशा की रचना करते हैं। इसके उपरांत भी सराग दशा में जब वो आते हैं उस समय वीत राग आत्मा का संवेदन वो नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्य सबका एक होना चाहिए। संयम की उपासना करते हुए, चारित्र की आराधना करते हुए उस चारित्र को सराग दशा से वीत राग दशा में ढालने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहें, तब कहीं जा करके संयम को धारण करने की सार्थकता सिद्ध होती है। इस अवसर पर उपस्थित हजारों भक्त गुरुवर की मंगलवाणी से अभिभूत हुए और ज्ञानार्जन किया। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।